तो पहले ना अपन को, जैसे अपन ने पहले पढ़ा है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ कम आ रहा है आवाज? सर। मैं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ आवाज, एक मिनट हाँ रुक। सर। ठीक है, अपन आवाज ठीक कर, कोई अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है सर? अभी अभी ज्यादा बहुत आ रहा जोर है से आ सर। रहा है, मतलब फिर रुको कर रहा हूँ। रुको रुको रुको, अभी आवाज ठीक आ रहा है? ठीक है सर, हमारी हाँ तरफ से सर। कम कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है फिर, ठीक है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने आपसे कहा कि अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लोफाइल, ऐसे ना। इलेक्ट्रोफाइल अपन ने डिस्कस कर रखा है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स पहले मैंने आपको बता रखे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सर। ठीक है। अपन ने पहले न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ रखे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ रखे हैं अपन ने, तो न्यूक्लियोफाइल्स में देयर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो दे ऑलवेज रिएक्ट एट रिएक्ट एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट, है ना। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर रिएक्ट करेंगे, एंड दीज ऑलवेज रिएक्ट एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये पार्ट अपन ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर रखा है। दूसरा अपन ने सॉल्वेंट्स, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स भी डिस्कस कर रखा है ना। सॉल्वेंट्स दो टाइप से होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अपन ने लिखा कि भाई जैसे बेंजीन है, C6H6 है, बेंजीन के अलावा कार्बन डाइसल्फाइड है, CS2 है, ईथर्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसके अलावा अपन को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी पोलर सॉल्वेंट्स दो टाइप से होता है, एक अपन कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप्स होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एक पोलर सॉल्वेंट होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में विल से दैट द सॉल्वेंट विच हैव, द सॉल्वेंट विच हैव, ठीक है ना, OH एंड NH बॉन्ड, OH एंड NH बॉन्ड आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, आर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनको कहते हैं अपन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो जैसे H2O हो गया, इसमें OH बॉन्ड होगा, फॉर्मिक एसिड हो गया, इसमें भी OH बॉन्ड है, वी कैन राइट CH3OH, उसमें भी OH बॉन्ड है, C2H5OH, उसमें भी OH बॉन्ड है, वी कैन हैव एसिटिक एसिड, उसमें भी OH बॉन्ड है,
वी कैन हैव NH3, उसमें NH बॉन्ड है. तो दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. और ये जो एग्जांपल लिखे ना अपन ने, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोलैरिटीज है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोलैरिटीज, ठीक है ना, ये पोलैरिटी से डिक्रीज. ये ज्यादा पोलर है इससे, ये ज्यादा पोलर है इससे, ये ज्यादा पोलर होगा इससे, ये ज्यादा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटीज. सबसे ज्यादा पोलर वाटर होता है, दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. उसमें सभी कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं ऑलमोस्ट इफ दे आर पोलर. थोड़ा सा भी पोलैरिटी होता है तो भी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में. सो दे आर कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो पोलर तो होते हैं लेकिन उनमें प्रोटॉन नहीं होता है, OH NH बॉन्ड नहीं होते. सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब द सॉल्वेंट, द पोलर सॉल्वेंट विच डू नॉट हैव OH and NH bond. NH bond. इनको कहते हैं अपन aprotic solvent. अब aprotic solvent में भी क्या होता है, जैसे अपन लिखेंगे तो अपन कहेंगे aprotic solvent में जैसे DMF है, DMSO है. मैं इनके स्ट्रक्चर बताऊंगा वाटर डोज. CH3CN है, हेक्सामेथाइलीन ट्राइमाइन फास्फोरस है. मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा इनके है, और एसीटोन है. दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. अब जैसे DMF है तो DMF इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है. तो फॉर्मामाइड मतलब अपन को पता है व्हाट इज फॉर्मिक एसिड. इधर OH लिखूंगा तो फॉर्मिक एसिड, और NH2 लिखूंगा तो फॉर्मामाइड है. इसमें अगर अपन CH3 लिख दें तो ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो जाएगा. अभी इसमें NH और OH बॉन्ड नहीं है, बट इट विल हैव हाई पोलैरिटी बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन. ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इधर भी लोन पेयर है, तो दिस विल बी हाईली पोलर. बट इसमें H नहीं है पोलैरिटी के लिए. DMSO जो होता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड मतलब दो मिथाइल ग्रुप होंगे, डाइमिथाइल होगा और सल्फर ऑक्साइड होगा, दैट इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दैट. इसमें भी ना यहां पर डेल्टा नेगेटिव है और यहां डेल्टा पॉजिटिव है. इधर भी अपन कहेंगे डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है. इधर भी डेल्टा पॉजिटिव लिख सकते हैं अपन, लेकिन ये कॉन्जुगेशन हमेशा कैसे होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा. ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दिस. सो दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. अब इनमें कहीं भी NH और OH बॉन्ड नहीं दिखेगा. दिस इज डाइमिथाइल साइनामाइड या इथेन नाइट्राइल अपन कहते हैं. दिस इज मिथाइल, राइट ना. सो दिस इज इथेन नाइट्राइल, IPAC ने, या मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं. दिस इज मिथाइल साइनाइड. तो दीज आर सॉल्वेंट्स. अब अपन उनका फायदा क्या, दोनों को अलग अलग करके
वो देखते हैं। तो HMPT देखते हैं क्या होता है और एसीटोन जनरली अपन को पता है क्या होता है। फिर अपन डिफरेंस चेक करेंगे कि हमें अलग अलग सॉल्वेंट की जरूरत क्या पड़ी। भाई एक ही टाइप का सॉल्वेंट ले लेते हैं पोलर सॉल्वेंट, उसमें भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। सर ये डायग्राम स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्या इन लोगों के दोनों के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ मतलब थोड़ा याद रहेगा तो ठीक रहता है, इसलिए बना दे रहा हूं। ओके सर। नेक्स्ट पेज पे चले। एक मिनट सर। ठीक है। डन सर। ठीक है। तो अभी जैसे अपन ने लिखा ना H-hexamethyly triamine phosphorus, so HMTP, तो HMTP में ना hexamethyly, ठीक है, hexamethyly triamine phosphorus oxide तो इसमें पर लिख लेंगे भाई। जैसे पर इनको बताया हेक्सामेथाइलिन, तो फास्फोरस ऑक्साइड मींस 10 ए डबल बॉन्ड और हेक्सामेथाइलिन वी कैन राइट लाइक दिस डबल बॉन्ड ओपन यहां लिख लेते हैं और हेक्सामेथाइलिन वी कैन राइट लाइक दिस। तो फास्फोरस ऑक्साइड ट्राइअमाइन के लिए 3 नाइट्रोजन ज्वाइन करते हैं उससे और हर एक नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं, एक तो फास्फोरस के लिए है और बाकी 2 मिथाइल ग्रुप से है। तो पर ऐसे बना सकते हैं ये बन गया। तो शॉर्ट फॉर्म में वी कैन राइट लाइक दिस हेक्सामेथाइलिन ट्राइअमाइन हो गया, या इसको ट्वाइस कर लेते हैं तो अपन इसको पूरा ट्राइअमाइन कर देते हैं और पीओ लिख लेते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी अपन कहेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है लेकिन NH बॉन्ड नहीं है और ये ऐसे डीनुक्लाइज हो सकता है ना, अपन ऐसे डीनुक्लाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब डीनुक्लाइज करेंगे तो विल हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन दिस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द फास्फोरस। एसीटोन का स्ट्रक्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसे अपन ने डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड लिखा ना, अभी डाइमिथाइल कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। इसमें भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। सो दीज आर द सॉल्वेंट्स। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, मुझे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का और ए प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो आप ये बता दो, है ना, क्योंकि भाई दोनों थे हमारे पास ऑलरेडी। मतलब अगर हमारे पास दोनों थे तो मैं दोनों से मतलब जरूरत क्या पड़ी ये बता दो आप एक तो, क्योंकि एक से काम चल सकता था हमारा, पोलर सॉल्वेंट तो अभी तक पढ़ते ही आए थे हम। तो अपन एक बार रोल देख लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, या रोल ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। सो रोल ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एंड रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
पहले अपन प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट में देर इज OH एंड NH बोथ, तो ये डेल्टा नेगेटिव होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ए जो पोलो प्रोटिक सॉल्वेंट है इट कैन सॉल्वेट सॉल्वेट कैटाइंस एज वेल एज एनाइंस एस एनाइंस बोथ, ये दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई कैटाइन गिवन है, तो ऐसे गिवन है CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, तो इसको सॉल्वेट करेगा जैसे वाटर मॉलिक्यूल है अपने पास, तो इसको सॉल्वेट करेगा। सॉल्वेशन मतलब होता है पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय द कैटाइन्स एंड एनाइंस, उसको कहते हैं अपन सॉल्वेशन। ये कैटाइन को भी सॉल्वेट कर सकता है एनायन को भी सॉल्वेट कर सकता है। तो ये कैटाइन को कैसे सॉल्वेट करेगा, तो जैसे उसमें जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उससे सॉल्वेट कर लेगा, जैसे वाटर होता है तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज से ऐसे सॉल्वेट कर लेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज से ऐसे सॉल्वेट कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे अपन सॉल्वेट कर सकते हैं। किसी को डाउट आया देख लेते हैं, सॉल्वेशन का डेफिनेशन रिपीट करना है कर देंगे अपन। सॉल्वेशन होता है द पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय द कैटाइन्स एंड एनायन्स, सॉल्वेशन है पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय कैटाइन्स एंड एनायन्स, कैटाइन्स एंड एनायन्स, ठीक है, बाय कैटाइन्स एंड एनायन्स। अगर पार्शियल अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सॉल्वेशन होता है, और अगर केमिकल रिएक्शन होता है सॉल्वेंट के साथ कैटाइन एनायन का तो उसी को अपन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जो अपन ने केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा। कैटाइन्स आर सॉल्वेटेड बाय द डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड द एनायन्स आर सॉल्वेटेड बाय द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, and the anions are solvated by the delta positive charge. और प्रोटोन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है, प्रोटोन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है, प्रोटोन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोटोन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है। तो ये सभी प्रोटॉन जो होंगे ना, जो OH बॉन्ड में है या NH बॉन्ड के जो प्रोटॉन होते हैं उन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होता है, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ना। अगर NH और OH वाले हैं प्रोटॉन होंगे तो उन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। रोल ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। सर ये इसमें आपने किसका एग्जांपल लिया था? इसका मतलब CH3CL लिया था क्या? हाँ CH3CL मतलब अपन ने ऐसे कोई भी एग्जांपल लेंगे अपन, तो अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोलाइटिक फिजन होगा, हाइड्रोलाइटिक फिजन होगा तो अपन बता सकते हैं ना Cl नेगेटिव और OH माइनस, Cl नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। रोल ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैन ओनली सॉल्वेट द कैटाइन्स बट नॉट द एनायन्स,
So the reactions in which we require high strength of anion. Anion, we use a aprotic solvent. Then we use aprotic solvent. तो अभी सपोज करते हैं अपन पे हमारे पास NaCN given है. तो Na और CN के बीच में अट्रैक्शन होगा. तो Na और CN में अगर अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है CN का नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं होगा रिएक्ट करने के लिए. तो हम इसको ऐड करेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट में. अगर हम एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये तो सॉल्वेट हो जाएगा, ये तो रुक जाएगा, लेकिन ये तो सॉल्वेट नहीं होगा ना, क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन ओनली सॉल्वेट द कैटायंस. तो सपोज कर लेते हैं अपन DMSO. तो होगा क्या, Na पॉजिटिव को DMSO सॉल्वेट कर देगा. Na पॉजिटिव को DMSO सॉल्वेट कर लेगा, ठीक है, बिकॉज में कोई प्रोटॉन जैसे हाईली ऐसे डेल्टा नेगेटिव चार्ज से वो सॉल्वेट कर लेगा. So, इधर वो ऑक्सीजन जो है वो उसको सॉल्वेट कर लेगा. ये CH3 हो गया. तो डेल्टा नेगेटिव चार्जेस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट कर देगा. लेकिन जो CN नेगेटिव होगा ना वो तो सल्फर से सॉल्वेट नहीं हो पाएगा. अभी सल्फर के पास उतना पॉजिटिव चार्ज थोड़ी हो सकता है जितना H पॉजिटिव के पास था, इसलिए सल्फर से वो सॉल्वेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सल्फर के पास उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा. सल्फर के पास उतना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा सो दैट इट कैन सॉल्वेट CN नेगेटिव. तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें अपन चाहते हैं कि अपन ऐड करेंगे एज अ मॉलिक्यूल, बट उस मॉलिक्यूल में से कैटायन स्टेबलाइज हो जाए, एनायन स्टेबलाइज ना हो, कैटायन स्टेबलाइज हो जाए लेकिन एनायन स्टेबलाइज ना हो, तो फिर अपन उस केस में यूज कर लेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट. सो इट कैन सॉल्वेट ओनली द कैटायंस बट नॉट द एनायंस. तो इसमें इसका हाई स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि सॉल्वेशन मतलब होता है कि आप कैटायन और एनायन का चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज करोगे पॉजिटिव चार्ज को, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज करोगे नेगेटिव चार्ज को. अगर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा या पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो फिर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो फिर उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगा. तो अपन स्टेबिलिटी नहीं बढ़े, अब इसका स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो ये हाईली रिएक्टिव होगा. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनायन की स्ट्रेंथ अपन को ज्यादा चाहिए तो उसमें अपन एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं. That is the role of aprotic solvent. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Yes. सबने लिख लिया? हाँ सर. तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज Now we got the idea about the solvents. कि हमें किस केस में कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, we got an idea. ठीक है, अब जब रिएक्शन आएगा तो मैं सिर्फ सॉल्वेंट बोलूंगा कि I'm going to use aprotic solvent or protic solvent. तो आपको पता रहेगा कि why we are using the aprotic solvent or protic solvent.
अब एक दूसरा पार्ट लिखेंगे अपन. आई थिंक वी हैव डन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा अपन ने. व्हाट इज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी? अपन ने बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा क्या? एक मिनट इन जीओसी टू. नो 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 वो नहीं. तो फिर अपन को पढ़ना पड़ेगा. अपन पढ़ेंगे व्हाट इज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी. ठीक है. व्हाट इज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे. ठीक है. तो वी कैन हैव बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी. बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ना वैसे तो कभी कभी वो जैसे लिखते हैं, लेकिन हमें दोनों को अलग अलग ही हासिल करना है. तो चलो पहले बेसिसिटी की बात करते हैं. बेसिसिटी क्या होता है? ठीक है. बेसिसिटी होता है द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल और आई टू एलिमिनेट प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल. प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल तो अपन कहेंगे टू एलिमिनेट द प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल, है ना? एलिमिनेट द प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल. तो अपन कहेंगे फिर उसमें तो सर एक तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ ही हुआ, है ना? टेंडेंसी टू एलिमिनेट अ प्रोटॉन ना, मतलब किसी एसिड से प्रोटॉन निकालना, वो बेसिसिटी होता है. बिल्कुल. बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ. अच्छे से लिख देता हूं. Basicity is directly proportional to basic strength. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन लिखेंगे Na ज्यादा बेसिक होगा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा. तो दोनों में अपन कहेंगे ये ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना. तो अपन कहेंगे इसकी बेसिसिटी ज्यादा है इससे. दैट इज व्हाट आई मीन बाय द बेसिसिटी. द टेंडेंसी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसकी टेंडेंसी टू एलिमिनेट, है ना, इसका टेंडेंसी टू एलिमिनेट प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस. तो एक तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ ही पढ़ रहे हैं. एग्जाम्पल लिख लेते बेसिसिटी की. मान लो मेरे पास गिवन है, ऐसे ही लिख लेते हैं पहले एफ सी एल बी आर द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. ऑर्डर ऑफ बेसिस. तो इसमें अपन को बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए. तो किसका बेसिसिटी ज्यादा होगा? तो फॉर एनाइंस वी कैन राइट दैट क्लोरीन का. हाँ वही करेंगे अपन, एक बार देख लेते हैं. फॉर एनाइंस वी कैन कैलकुलेट कॉन्जुगेटेड बेस. अपन कॉन्जुगेटेड बेस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इधर अपन को बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, प्रोटॉन ऐड कर देते हैं.
HF, HCl, HBr और HI। तो अपन पहले एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, तो फिर वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, इसे बता देंगे। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मेरे पास ऐसे केबन है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, तो इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर बेसिसिटी, बताओ भाई। ऑर्डर ऑफ बेस सर NH2, F, OH और CH3। अपन क्या करेंगे, अगेन द सेम थिंग ना, अपन एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अपन तो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने काफी GOC2 में एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी ऑर्डर लिखवाए ना, इसको अगर प्रोटॉन देंगे तो CH4 बनेगा, इसको प्रोटॉन देंगे तो अमोनिया बनेगा, इसको प्रोटॉन देंगे तो H2O और इसको देंगे तो HF। वैसे तो आपने पीके वैल्यूज भी पढ़े अपन ने, इसमें पीके इज 4, 15.74, अमोनिया का पीके 28 और इसका पीके अराउंड 50, अराउंड 50। अपन को पता है हायर द पीके वीकर द एसिड ना, हायर द पीके वीकर विल बी द एसिड। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस। अपन ने पीके वैल्यू पढ़े ना पहले, उसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, कैलकुलेट। अब तुमको पता है पहले एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ बता दो। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अब आपको अरेंज करना है, मैं तो रैंडमली दे देता हूं। ऑफ CH3CO नेगेटिव, OH नेगेटिव, PHO नेगेटिव एंड C2H5O नेगेटिव, ये गिवन है मेरे पास। कैसे अरेंज करेंगे अपन बेसिस डी को इन सब में, ऑर्डर ऑफ बेसिस डी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताओ भाई क्या होगा, सर 4-2-3-1। 4-2-3-1 आई थिंक इट्स करेक्ट, क्योंकि अपन लिखेंगे ना वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस, है ना। तो इसमें अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें होगा
CH3COL, उसके बाद फिर होगा PHOH फिनॉल, फिर होगा H2O और फिर होगा C2H5OH। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट बेसिसिटी विल बी रिवर्स हो जाएगा, C2H5O नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर OH माइनस है, फिर OH, बिल्कुल भाई, फिर PH, फिर CH3CO नेगेटिव। सो वी गॉट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अपन को कैसे कैलकुलेट करना है बेसिसिटी, वी गॉट इट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपन न्यूक्लियोफिल थ्योरी पढ़ते हैं। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मेरे पास ऐसे क्या बने, CH3CH2OH, CH3CH3OH, CH3CCH3OH, and we have PHOH. इसमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूंगी, बाकी तीनों में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पहले मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा। आप कहते थे कि जितना ज्यादा इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये ऑक्सीजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, तो उतना ही ज्यादा इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज्यादा इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उतना ही ज्यादा इस बॉन्ड में पोलैरिटी, उतना ही ज्यादा ये एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इन सब ऑक्सीजन में जो ये ऑक्सीजन के बनना 1, 2, 3 इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यही होगा, क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा, इस वाले का प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा ना, 3 डिग्री है, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये वीकेस्ट एसिड होगा इन सब में, राइट ना, इन सब में ये वाला वीकेस्ट एसिड होगा क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट कम है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इसके कंपैरिजन में, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो OH में पोलैरिटी ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अपन इनको ना 1, 2, 3 लिख लेते हैं ऐसे, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर लिखूंगा तो सबसे ज्यादा तो 4 की होगी, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा है ना, तो बेसिसिटी क्या करेंगे अपन, उल्टा, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 की, फिर 1 की और फिर 4। लो भाई बेसिक स्ट्रेंथ आ गया, ये वाला वापस एक्सपेंड हो, अपने पास ये ना देख, ये OH बॉन्ड था ना अल्कोहल का,
अपन को ये चेक करना था कि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा ऑक्सीजन है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसके बॉन्ड में पोलैरिटी सबसे कम, मतलब सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। तो एल्कोहल तो इलेक्ट्रॉन देता है ना, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH की पोलैरिटी कम होगी, और पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट तो इसका था, तो इसमें लीस्ट पोलर OH था, और लीस्ट पोलर OH का मतलब है लीस्ट एसिडिक। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक था इससे, ये ज्यादा एसिडिक था इससे, इसलिए अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ में 1, 2, 3 लिखा। वो तो फिनॉल है, ओके सर, ठीक है ना। सो वी गॉट दैट, आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट। व्हाट इज बेस एसिडिटी? बेस एसिडिटी के लिए अपन को सीधा बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है। नेक्स्ट बेस क्वेश्चन था, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी द टेंडेंसी ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल और आयन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सेंटर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में अपन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो आई कैन से दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियोफिलिक होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, राइट। एग्जांपल ले लेते, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव, इन चारों में मोस्ट इजीली कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो अपन कहेंगे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड होगा। आयोडीन का साइज बड़ा है तो बेटर है कि अपन आयोडीन से ही डोनेट करते हैं, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में वीकली अट्रैक्टेड होंगे। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा इससे, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा इससे। So we can write like that. No. So we can write that nucleophilicity इसकी ज्यादा होगी तो अपन बोल सकते हैं in a group, है ना, in periodic table, periodic table. न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कुछ भी, हम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अलग ही पढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं काफी सारे एक दो कंसेप्ट और बताऊंगा ऐसा।
तो मैं सेकंड पॉइंट लिख लेता हूं। अगर अपने पास ऐसे क्यों है NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F, तो जो सेंट्रल एटम है सभी सेंट्रल एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सभी पे नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन सबसे बड़ा साइज कार्बन का होता है, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की तो ज्यादा ही होगी ना, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा इससे, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा इससे। इसमें कार्बन का साइज बड़ा है, सभी पे नेगेटिव चार्ज है, सभी एक ही पीरियड से है, कार्बन का साइज बड़ा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इन अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS। From LHS to RHS. ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास H2O और H2S है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, दोनों एक ही ग्रुप से है। NH3 का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा PH3 से, राइट? OH का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा OCH3 से, क्योंकि OCH3 में CH3 का प्लस इफेक्ट भी होगा, प्लस इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसके लोन पेयर का साइज बढ़ेगा ड्यू टू प्लस इफेक्ट, लोन पेयर का साइज बढ़ेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा इससे। ठीक है, तो अगर डोनेटिंग एटम डिफरेंट है तो वी आर एबल टू टेल वेरी इजीली, और अगर मुझे ऐसे क्यों है मान लो मैं कहूंगा मेरे पास OH माइनस है और H2S है, अब एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा ही होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनायन is always more than neutral molecule. Anion की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा, क्योंकि anion में ना जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, और फिर नेगेटिव चार्ज भी तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की वैसे भी रिएक्टिविटी थोड़ी कम ही होगी, इवन दो द साइज ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट अगर ओवरऑल चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का साइज काफी बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज आने से, और नेगेटिव चार्ज है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा, चार्ज मॉलिक्यूल आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर दोनों न्यूट्रल थे तो H2S का ज्यादा है H2O से, लेकिन अगर OH नेगेटिव चार्ज है और H2S है तो एनायन की ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। We can write like this, nucleophilicity. ठीक है, now we can write the third point. If right now
इफ डोनेटिंग एटम इज सेफ, ये थोड़े पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन को वन और टू से आ जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन तो वन और टू वाले पॉइंट से ही अपने सॉल्व हो जाएंगे, उनका प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो ब्रैकेट वाला है या वो एग्जांपल वाला? मतलब ये सारे ना, ये ब्रैकेट वाला तो ये एग्जांपल वाला है इसके लिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो अपने पॉइंट वन और पॉइंट टू से ही सॉल्व हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इसी से ही पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, तो 80% क्वेश्चन तो अपन को इसी से पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन को और मतलब डीपली अगर पूछे तो अपन देख लेते हैं। इफ डोनेटिंग एटम इज सेफ, एंड ऑल द न्यूक्लियोफाइल and all the nucleophiles are from same functional, then nucleophilicity decreases with increase. With increasing steric hindrance, decreases with steric hindrance. Example, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा क्या, मैं सारे के सारे एनायन बनाने वाला हूं एल्कोहल से, ऑब्वियसली सभी में डोनेटिंग एटम ऑक्सीजन, सभी में डोनेटिंग एटम ऑक्सीजन, तो फिर जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। दूसरा भी लिख सकते हैं, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, अभी में डोनेटिंग एटम से है, तो फिर जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन अपन से एडवांस वगैरह में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, वी गॉट दैट। अगर ऐसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए अपन से कि सेम फंक्शनल ग्रुप है तो बताओ, और डोनेटिंग एटम भी सेम है तो बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसका होगा, भी एरर को उठा देगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट, इफ डोनेटिंग एटम इज सेम एटम इज सेम इफ द डोनेटिंग एटम इज सेम एंड ऑल द एनायंस ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप
देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ऑर्डर इज सेम एज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. तुम एग्जाम्पल ले रहे हो, यू आर गिवन लाइक दिस CH3CO नेगेटिव, PHO नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड C2H5 नेगेटिव. ये सभी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से आए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल है और ये एल्कोहल है, ये वाटर है. बट डोनेटिंग एटम्स इनमें सभी में डोनेटिंग एटम सेम था लेकिन वो एक ही फंक्शनल ग्रुप से थे, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से है, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा. और बेसिसिटी का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है. एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी. ये है भाई, तो वी गॉट दैट. जब भी हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात होगी इट इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. पॉइंट वन और पॉइंट टू में अपन ने देखा कैसे टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन अपन को पता है. एनायन का न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा ज्यादा होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, और अगर डोनेटिंग एटम सेम है और एक ही फंक्शनल ग्रुप से अगर सारे न्यूक्लियोफाइल है तो फिर जिसमें साइज बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा. अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से है तो फिर अपन बेसिसिटी ऑर्डर को ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कहेंगे. दैट इज द ऑर्डर. आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी. तो अभी अपन शुरू कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, पोलर सॉल्वेंट, एप्रोटिक एंड प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. OHNH है तो प्रोटिक सॉल्वेंट, नहीं है तो एप्रोटिक सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑल द हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी द नॉन पोलर सॉल्वेंट. वी हैव नॉट रिटन ऑल, अपन ने वही लिखा जो इंपॉर्टेंट होता है. But all liquid hydrocarbon, they can be the non-polar solvent. Cyclohexane, that can be the non-polar solvent. Cyclic hydrocarbons, they are non-polar solvents. So, we can write those non-polar solvents. ठीक है? Now we can discuss about the chemical reactions. अब अपन chemical reactions सीख सकते हैं. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ वी कैन राइट दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस इन एल्डिहाइड एंड केटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्डिहाइड केटोन्स. तो अभी टॉक अबाउट द एल्डिहाइड एंड केटोन्स ना, तो लेट अस चेक व्हाट आर एल्डिहाइड एंड केटोन्स.
So we'll have aldehydes. जिनमें सी डबल बॉन्ड उपयोग होता है. दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड. दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड. एल्डिहाइड मींस व्हिच विल हैव दिस ग्रुप. दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड. So we can have like this. This is called acetaldehyde. Epic name, we know that this is ethanol. This is called benzaldehyde. So it means that aldehyde on in all aldehyde we'll have. One side will have H and other side will have alkyl phenyl group like that. Ketones. In ketone, there will be on both sides, there will be alkyl group. In aldehyde, there is alkyl group only on one side. Ketone, the alkyl group will be on both sides. So we can write like this, that is called acetone. If it is like this, right now, this can be called as that is acetyl benzene bol sakte hain apne se. Aur agar dono taraf pH hai to benzophenone. That is common name, no? Benzophenone. Right? So this will be, that is acetyl benzene. This group is called acetyl. So then it will be a benzene. So ketone mein there will be on both sides either alkyl group or phenyl group. Then it is called ketones. In aldehyde and ketones both there will be a polar site. The delta positive charge on carbon atom and delta negative charge on oxygen atom. Delta positive charge, delta negative charge, delta positive charge on this, delta negative charge on this. So in general, delta positive charge on the carbon atom and delta negative charge on the oxygen atom in aldehyde as well as in the ketones. There will be a delta positive and delta negative charge on the oxygen atom. So there is a polar site in aldehyde and ketones. There is a polar carbonyl sites. Polar carbonyl site. Right? There will be a polar carbonyl site. So C double bond, no? This will be the polar carbonyl site. Delta positive, delta negative. And there will be an R group like this. Due to the presence of this delta positive site, polar carbonyl site, delta positive site, it shows nucleophilic addition reactions. Due to presence of delta positive charge on carbonyl carbon carbon atom, they show two types of nucleophilic addition reaction.
एडिशन रिएक्शन। वन इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन one is called acid catalyzed nucleophilic addition reaction. So if we talk about that, suppose हमारे पास ऐसे given है R C double bond O H, इस पे delta positive charge है, इस पे delta negative charge है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो एसिड कैटलाइज मींस फर्स्ट पी एट द एसिड देन द न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट एड एसिड देन न्यूक्लियोफाइल। देन वी लेट द न्यूक्लियोफाइल। तो पहले जब अपन एसिड ऐड करेंगे ना इसमें, तो H प्लस आइन ऐड करेंगे। अब हम सबको पता है भाई H प्लस आइन कार्बन से तो रिएक्ट करेगा नहीं, H प्लस आइन तो वहां रिएक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि वो तो खुद ही कटाइन है। तो H प्लस आइन विल रिएक्ट विथ लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन आटम। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बिकॉज दिस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। इज अ रिएक्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो H प्लस आइन विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां रिएक्ट करता है जहां इलेक्ट्रॉन रिच साइट। तो विल गेट R C H डबल बॉन्ड O एंड H। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया। अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन को मिलेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। विल गेट दैट। अभी इस बॉन्ड में ना पहले ही ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड थे, तभी अपन ने डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ थे, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तब तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हो जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो अनस्टेबल होगा ना? हाँ नहीं, अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो अनस्टेबल तो नहीं बोलेंगे अपन उसे। तो अपन कहेंगे देख, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा तो फिर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर था इधर उससे ज्यादा होगा। मतलब स्ट्रेंथ अगर अपन बात करें तो डेल्टा पॉजिटिव डैश का स्ट्रेंथ डेल्टा पॉजिटिव से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा कार्बन से, या वो चाहेगा वापस प्रोटॉन चला जाए ताकि वो वापस न्यूट्रल होके ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना ले, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और प्रोटॉन अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है तो वो लीव भी कर सकता है। सो आई कैन से दैट कि मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा फिर,
क्योंकि अगर ये वापस जाएगा तो H प्लस एन तो फिर अटैक करेगा, उसमें फिर बनेगा। अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, पहले एसिड ऐड करेंगे, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं। अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन तो और बॉन्ड बना नहीं सकता, ये कार्बन से रिएक्ट करेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन है ना कार्बन से, वो कार्बन से बेस्ट अटैक करेगा ऐसे, यहां से हिट करेगा बैक साइड हिट। तो यहां से क्योंकि अब एक बॉन्ड ब्रेक होगा कोई भी, अपन कहेंगे हम पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दैट इज द वीकेस्ट बॉन्ड। तो ये बैक साइड अटैक बोलते हैं कि भाई बैक साइड अटैक होगा, ठीक है, और ब्रेक होगा पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो विल गेट आर, विल गेट एच, वी गेट ओ एच, और जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ विल राइट लाइक दिस, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और इस पे इसका दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन वापस इस पे आएगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा ना ऑक्सीजन, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा तो दिस इज ऑफ, बिकॉज अभी पाई बॉन्ड था, अब चार सिग्मा बॉन्ड बन गए ना, तो इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो ये रिएक्शन इजिली हो जाएगा। इस स्टेप में अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था, तो ये तो एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये अपन न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट होते हैं, इसका मतलब है दिस इज अ स्लो रिएक्शन। राइट, तो दिस इज अ स्लो रिएक्शन, और जो स्लो रिएक्शन होता है वही रेट डिपेंडिंग स्टेप होता है। अब अपन वापस इसको एक बार डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ और होगा तो भी होता है। बैकसाइड अटैक मतलब आई विल टेल यू व्हाट इट इज, है ना, क्या होता है। अभी अपन क्या करेंगे, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स है, देयर इज अ लोन पेयर On this. अब हम जब एसिड ऐड करेंगे तो हम सबको पता है कि भाई एसिड तो वहां रिएक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी और रिएक्ट कर लिया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अगर तो मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या डेल्टा पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, थोड़ा अनस्टेबल होगा। तो प्रोटोन का अच्छा लीविंग एबिलिटी, इसलिए प्रोटोन वापस लीव कर सकता है और वी कैन गेट दिस। वापस लीव करेगा तो अपन ने वापस रिएक्शन कर लिया, तो H प्लस एन तो फिर रिएक्ट करेगा। अगर H प्लस एन फिर रिएक्ट करेगा अगेन विल गेट दिस, सो दिस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये दोनों इक्विलिब्रियम रहेंगे। अब होगा क्या ना, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे अपन, तो जब अपन न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो उधर देखना कैसे है, वी आर हैविंग लाइक दिस, कार्बन है डबल। कोई डाउट है क्या? हाँ सर, वो आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है? रुको रुको रुको, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चैप्टर अपन को काफी स्लो चलना पड़ेगा, अब रिएक्शन शुरू हो रहा है ना, तो मैं बार बार बताऊंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अपन ये चैप्टर सीखेंगे तो आगे अपन काफी अच्छा सीख पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई कार्बन के पास एक तो R लिखा आपने, एक हाइड्रोजन लिखा आपने, ये ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, विच इज परपेंडिकुलर टू द ऐसे। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर भी होंगे तो अपन कहेंगे ठीक है सर, लोन पेयर विल बी लाइक दिस,
एक लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर ऐसे। ऐसे मतलब ये एटम, ये आर और ये लोन पेयर एक ही प्लेन में और पाई बाउंड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अपन कहेंगे देखो सर यहां पर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कहीं, तो भूल जाओ आपकी न्यूक्लियोफाइल यहां कहीं से रिएक्ट करेगा क्योंकि इधर तो पहले से ही लोन पेयर है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो लोन पेयर से तो रिपेल करेगा। इवन यहां भी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहां भी भूल जाओ आप, आपको जो भी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करना पड़ेगा वो इधर से करना पड़ेगा। इधर से अपन कहेंगे इस कार्बन पे इनका स्टेरिक एंट्रेंस भी होगा, इनका भी स्टेरिक एंट्रेंस होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए और मुश्किल होती जा रही है यहां से अटैक, न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां से अटैक करना और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये दोनों रेजिस्ट भी करेंगे, हिस्टेरिक एंट्रेंस होगा तो रिपेल करेगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे एक तरीके से अगर ये जिस प्लेन में ये और ये लोन पेयर है ना विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से ऐसे अटैक करेगा कि वो इन दोनों के प्लेन से थोड़ा ऊपर, मतलब यहां से अटैक करेगा ऐसे इन दोनों के प्लेन से थोड़ा ऊपर, उसको अपन ऐसे बना के देख लेते हैं। एक मिनट रुकना, सर आप म्यूट हो, म्यूट मैंने किया था एक्चुअली, मैंने कहा पेन वगैरह मंगा ले ना, तो ऐसे ना टेट्राडल बना लेते हैं, टेट्राडल बनाते हैं और फिर देख लेते हैं क्या करना है। देख ये अपने पास ऐसे टेट्राडल बन गए, ये ऐसे ऐसे टेट्राडल हो गए हैं, ऐसे बना दिए अपने, देख रहे होंगे सारे बॉन्ड, तो ये सी डबल बॉन्ड हो गया, ऐसे पाई बॉन्ड हो गया अपने पास ऐसे पाई बॉन्ड। तो इधर तो पूरा इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो फिर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करे। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इधर से ऐसे आएगा तो रिपेल होगा वो, तो पाई बॉन्ड से सब जगह से रिपेल होगा, तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है अटैक करने की। तो ये तो टेट्राडल है, वो टेट्राडल थोड़ी sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक मिनट रुकना, हाँ ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, तो अपन sp2 बना लेते हैं। अब sp2 में तो ऐसे होगा दोनों CH3 ऐसे हो गए और अपने पास ऐसे पाई बॉन्ड हो गया, ये ऐसे हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये अपने लिए पाई बॉन्ड हो गया और ये ऐसे बना लिया अपने पाई बॉन्ड, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब अपन क्या करेंगे, इधर तो पूरा इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई बॉन्ड भी है, इधर लोन पेयर भी है, तो इधर से तो कहीं अटैक नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे अपन, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ना, ये तो पाई बॉन्ड का प्लेन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जाएगा ना तो ये दोनों स्टेरिक एंट्रेंस शो करेंगे। अगर अपन न्यूक्लियोफाइल को इधर से भी लेके जाए ना तो ये दोनों स्टेरिक रिपल्शन शो करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का बेस्ट तरीका होगा कि वो ऐसे अटैक करे ऐसे और पाई बॉन्ड को वहां शिफ्ट करे, तो यहां से ऐसे अटैक करे तो जितना अटैक करने का प्रोबेबिलिटी ऊपर से होगा उतना ही बॉटम साइड से, मतलब ऐसे भी अटैक कर सकता है, ऐसे भी अटैक कर सकता है क्योंकि ये तीनों सिग्मा बॉन्ड तो एक ही प्लेन में ना, ये वाला और ये वाला, तो वो बेस्ट तरीका होता है उसको यहां से अटैक करे पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ऐसे पाई बॉन्ड था तो
इसमें ना दो प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली में, जो दो प्रोडक्ट बनेंगे ना, जैसे अपन ने ये बना दिया, तो मैंने तो एक प्रोडक्ट यहां दिखा दिया, लेकिन वास्तव में इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, दैट इज लाइक अ रेसिपी और एक ऐसा। ये दो प्रोडक्ट, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि 50% वो टॉप साइड अटैक करेगा और 50% बॉटम साइड अटैक करेगा, जैसे मैंने बताया था ना ऐसे अटैक करेगा वो, तो 50% टॉप साइड से अटैक करेगा, 50% बॉटम साइड से अटैक करेगा, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, दैट विल बी द रेसिमिक मिक्सचर। तो इसमें ना जैसे अपन अगर आप चेक करेंगे इधर 1 2 3, तो अपन को लग रहा है ये काइगल सेंटर है, तो इसमें अपन से ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछ सकते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो अपन कहेंगे अगर रिएक्टेंट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये मैंने आपको पहले बताया है, अगर दोनों रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था, एसिड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो फिर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, राइट। अपन पहले इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर इज। तो अपन कहेंगे देखो ये तो कैटाइन एनायन जैसे रिएक्शन था फर्स्ट वाला, तो ये फास्ट रिएक्शन था, इधर न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक एंट्रेंस भी चेक करना है, प्रोबेबिलिटी भी चेक करना है कि कहां से अटैक करेगा, तो इजीली अटैक हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी से दैट दिस विल बी द स्लोएस्ट स्टेप of the reaction. That's why it is a rate determining step. The slowest step of the reaction is called a rate determining step. So, ye acid catalyzed reaction. Similarly, a base catalyzed reaction pad sakte hain. So, next page pe chalte hain, apan base catalyzed reaction padhte hain, fir apan kuch application padhenge iske. Bhai, application padhenge to aur zyada apan ko pata lagega कि न्यूक्लियोफाइल में किसको रिएक्ट करवाने वाले हो, हो गया। हो गया, हाँ सर। तो दूसरा पढ़ेंगे अपन बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, जैसे कोई बेस यूज करने वाले, बेस कैटलाइज मीन्स वी हैव टू यूज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इज अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अपन ऐसे देखेंगे, अगर अपने पास कोई एल्काइल ग्रुप है
ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, तो इसमें अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल ऐड करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसका लिविंगबिलिटी अच्छा नहीं होगा। किसी का भी लिविंग एबिलिटी होता है, जैसे मान लो कोई एनाइन है या कोई भी एटम या मॉलिक्यूल लीव कर रहा है ना, तो जो लिविंग एबिलिटी होता है ना दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ना तो उसकी लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल जैसे अपन ने कहना इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आई नेगेटिव है तो उसके लिविंग एबिलिटी अच्छा होगा। अगर कभी वाटर को लीव करवाना है और एनएच थ्री को, तो वाटर का लिविंग एबिलिटी अच्छा होगा। लिविंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन। जैसे अपन ने लिखा ना फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, तो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैसे चेक किया? एसिडिक स्ट्रेंथ से तो चेक किया था, स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनना चाहिए, देयर इज अबाउट द लिमिट। ठीक है, तो चलो यहां पर देख लेते हैं। अब अपन कहेंगे इसमें तो आपने पहले ही ऐड कर दिया सर न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये सबस्ट्रेट है द रिएक्टर। भारतीय केमिस्ट्री में अपन एक सबस्ट्रेट लेता है रिएक्टेड किसी भी रिएक्शन, प्रीवियस में भी है, और एक अटैकिंग एजेंट होता है जो उससे रिएक्ट करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं अपन अटैकिंग रिएजेंट। जब भी अपन अटैकिंग रिएजेंट की बात करेंगे ना, तो वो अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे डिपेंडिंग ऑन द नेचर, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करेगा तो ये यहां शिफ्ट होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते आर सी एच ओ नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो वी गेट लाइक दिस। न्यूक्लियोफाइल ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना इसका, तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वापस, क्योंकि कार्बन है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इन तीनों में से किसी एक को लीव कर रहा होगा। लेकिन अगर अपन कहेंगे तीनों के ही लीविंग एबिलिटी पुअर है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इट विल बिकम अ पुअर लीविंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो अपन ऐड करेंगे ना, तो फिर वो लीव नहीं करेगा इसके एनाइन से, वो वापस लीव नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये वीक हुआ तो फिर ये ऐसे शिफ्ट करके इसको लीव करवा सकता है ना, फिर तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिमेन इन द इक्विलिब्रियम।
तो हमें इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। फिर कैसे, अब बाद में प्रोटॉन डालो, या तो प्रोटॉन डाल दो वरना ये एल्कोक्सेडाइन है आरओ नेगेटिव ना, अगर आरओ नेगेटिव होगा तो ये अपने आप ही किसी सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले सकता है। दिस इज अ वीकर एसिड देन दिस, तो रिएक्शन फीजिबल है, अपने आप ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन फिर वो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिर वो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, कोई एसिड ऐड कर देंगे, वीक एसिड या फिर कोई सॉल्वेंट होगा वाटर टाइप का, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वरना हम वीक एसिड ऐड कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो फिर विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। आपने आर डैश ओ नेगेटिव को क्या बोला था? आर डैश को ओ नेगेटिव, आरओ नेगेटिव को क्या बोला था आपने? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, जैसे वो उसको एल्कोक्सी एनी है ना, एल्कोक्साइड है। इसको वाटर से रिएक्ट करूंगा तो एल्कोहल बनेगा और OH माइनस, सर बोलो। सर ये वाला रिएक्शन एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम। अपन क्या करेंगे, बेस कैटलाइज का मतलब ये नहीं है कि अपन बेस लेंगे, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस कैटलाइज बोलूंगा इसका मतलब है आप स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जबकि पहले क्या था, पहले अपन ने एसिड अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ाया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया। अभी अपन क्या कर रहे हैं, पहले ही न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तब भी अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक किया। अब अपने पास ये बन गया, अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए लिया ताकि ये न्यूक्लियोफाइल इस नेगेटिव चार्ज से, ऐसे ना हो कि यहां पर अपन इसको ऐसे शिफ्ट हो और ये वापस लीव कर जाए, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो लीव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं, तो कर दिया, पूछेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, इसमें कायरल सेंटर है, तो अपन कहेंगे ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर। ये रेसमिक मिक्सचर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, तो फॉर्म एल्कोक्साइड है, तो इस एल्कोक्साइड है, देन एल्कोक्साइड है इज स्टेबलाइज्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। Stabilized by acid hydrolysis.
इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द स्टेप इन विच न्यूक्लियोफाइल इज एडेड is rate determining step. Right? What rate determining step? तो अपने लिए तो ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप पता चल गया भाई, इसमें ये आरडीएस सभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अच्छा आरडीएस मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। The slowest step of the reaction. It's called rate determining step. मैंने इस क्लास में भी एक एग्जाम्पल लिया था साइकिल वाला कि अगर किसी साइकिल फैक्ट्री में सारे पार्ट्स थाउजेंड्स में बनते हैं लेकिन एक दिन में थाउजेंड्स में सारे पार्ट्स बने लेकिन हैंडल सिर्फ 25 बन सकते हैं तो फिर एक दिन में अपन कितने साइकिल बना सकते हैं, तो अपन 25 ही बना सकते हैं। देन 25 जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैंडल है दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसको कहते हैं अपन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अभी इसमें टॉक अबाउट दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिड कैटलाइज्ड एंड द बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अपन ने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी किया, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी किया। एसिड कैटलाइज रिएक्शन और बेस कैटलाइज रिएक्शन दोनों में अपन को एक बार समझ में आया कि आपने एसिड कैटलाइज रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ की बात नहीं की लेकिन बेस कैटलाइज रिएक्शन में आपने न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ की बात की। इट मीन्स दैट यहां पर अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम भी है तो अपन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके, न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग होगा तो अटैक कर सकता है लेकिन यहां पर अपन सिर्फ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं लेकिन पिछले रिएक्शन में अपन वीक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन में हमने डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के स्ट्रेंथ को बढ़ाया है सो इवन वीक न्यूक्लियोफाइल कैन बी एडेड, न्यूक्लियोफाइल कैन बी एडेड, है ना। सो वी कैन से दैट द एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन आर मोर फेवर्ड The acid catalyzed reaction is more favored
फेवर देन बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन. Because in acid catalyzed reaction, we can even add weak nucleophiles. Because in acid catalyzed reaction, we can add weak nucleophiles. उनको भी ऐड कर सकते. सो दैट्स व्हाई एसिड कैटलाइज्ड इज मोर प्रेफर्ड देन बेस कैटलाइज्ड. तो ये तो दो टाइप ऑफ रिएक्शन की बात होगी भाई, कि एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे. तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा फिर? अब अपन बात करेंगे इनकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्टर. तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the strength of delta positive charge. On carbon atom. मतलब इस पे कितना स्ट्रेंथ है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का, उस पर डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी. आगे पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट वाले नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. चलो फिर ठीक है, एक मिनट में सेव कर लेता हूँ. यस सर.